जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा बट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक JEE PYQ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन 2021 में आया था। द क्वेश्चन इज, ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E=150y²j⁻। द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर। इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज, यहाँ फिगर दिया गया है, ऑप्शंस आर गिवेन हियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्यूब दिया गया है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E=150y²j⁻। द साइड ऑफ क्यूब दिया है एल, मान लीजिए 0.5 मीटर। इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द फिगर। द चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो ये लोअर सरफेस दिया है यहाँ एंड ये अपर सरफेस दिया है। चार्ज इनसाइड द क्यूब पूछा है, तो चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना हो जाएगा, 5E=Q/ε₀। तो ये लोअर सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोअर सरफेस कितना हो जाएगा, एट लोअर सरफेस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, 150y²j⁻। तो 150y के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स Φ=E·S=Q/ε₀। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट लोअर सरफेस 0 हो गया। तो अपर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अपर सरफेस साइड कितना दिया है, एल 0.5 मीटर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 0.5 मीटर। तो 0.5 का स्क्वायर j क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Φ=E·S तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 150 × 0.5 का स्क्वायर j क्या। ये अपर सरफेस का एरिया वेक्टर की अपवर्ड होगा, इसका डायरेक्शन में जे क्या है। तो साइड 0.5 दिया है, तो 0.5 का स्क्वायर j क्या, ये डॉट जे क्या होगा, ठीक है। ये डॉट जे क्या होगा, डॉट जे कैप। तो ये कितना हो गया, 150 × 0.5 स्क्वायर × 0.5 स्क्वायर। जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया। Φe का वैल्यू मिल गया, तो हमको पता है Φe = कितना है, Q/ε₀। तो Q का वैल्यू कितना है, Φe × ε₀। तो Q=Φe का वैल्यू कितना है, 150 × 0.5 का स्क्वायर × 0.5 का स्क्वायर। ε₀ का वैल्यू कितना है, 8.85 × 10⁻²। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, Q का वैल्यू कितना हो गया, 8.3 × 10⁻¹ कूलम। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।